हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी वर्क। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एंटी लॉग निकालना सीखेंगे, वो भी बिना लॉग टेबल की हेल्प से। ठीक है फ्रेंड, कि हम बिना लॉग टेबल की हेल्प से किसी भी नंबर का एंटी लॉग कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड, किसी भी नंबर का मतलब किसी भी नंबर का, या तो वो नंबर निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डेसिमल हो, या होल नंबर हो, या नंबर हो जिसके ऊपर बार लगा हो, किसी भी नंबर का, हर टाइप के नंबरों का हम एंटी लॉग बिना एंटी लॉग टेबल के निकालेंगे। फ्रेंड, ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैं आज ऐसी ऐसी ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप सेकंडों में नंबर देखते ही मान उसका एंटी लॉक बता देंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर हमें बिना एंटी लॉक टेबल की हेल्प से किसी भी नंबर का एंटी लॉक निकालना है ना, तो हमें ये 1 से 10 तक के नंबरों का लॉग हमें याद होना चाहिए, और ये जो कुछ सिंपल से फॉर्मूलेज हैं ये भी हमें याद होने चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो आपको ये याद ही होंगे, अगर नहीं याद है तो आप आई बटन पर क्लिक करके एक वीडियो है उसको देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके बताए हैं जिससे हम ऐसे चीज़ों को कैसे याद कर सकते हैं। फ्रेंड, ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं याद है, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप ना लॉग टेबल लॉग निकाल सकते हैं, ना एंटी लॉग ही निकाल सकते हैं बिना लॉग टेबल की। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है और आपको फ्यूचर में भी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि निकालेंगे कैसे इसके यूज़ से। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज़ हमें एंटी लॉग निकालना है फ्रेंड 4.78, इसका हमें एंटी लॉग निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो देखेंगे कि हमारा ये जो डेसिमल है इसके पहले कितना नंबर है, नंबर कौन सा है। तो यहाँ 4 है तो हमें कुछ नहीं, इसी कलर चेंज कर लेता हूँ, इसी 4 को इंटू 10 to the power में, दैट इज़ 10 to the power, यह 4 था ना, 4 यहाँ लिख देना, इंटू में कर देना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में देखना है कि ये बचा हुआ नंबर कितना है। तो बचा हुआ नंबर फ्रेंड हमारा 0.78 है ना, 0.78 बचा हुआ। तो देखेंगे किसका लॉग 0.78 होता है। तो फ्रेंड, लॉग 6 की वैल्यू 0.78 होती है। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप यहीं पर अटक जाएंगे, तो इसलिए ये याद होना ज़रूरी है। तो 0.78 होता है लॉग 6 की वैल्यू, तो बस 6 यहीं पर लिख देना है, जिसकी लॉग ये होता है। तो बस यही हमारा रिजल्ट हो गया फ्रेंड, दैट इज 60,000 जो होता है, यही हमारा 60,000 का लॉग जो होता है वही होता है 4.78, या तो एंटी लॉग ऑफ 4.78 इज 60,000। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए कि यहाँ पे हमारा लॉग एग्जैक्ट है, दैट इज लॉग 6 की वैल्यू 7.8 थी, एग्जैक्ट वैल्यू थी यहाँ पे 7। अगर यहाँ 7.8 की बजाय 7.5 होता तो कैसे करते, तब तो कोई वैल्यू के एग्जैक्ट में नहीं आता तो कैसे करते, या कुछ और होता तो कैसे करते। उन सभी चीज़ों को फ्रेंड मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमने किया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, लॉजिक क्या है। और फ्रेंड वो लॉजिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। चलिए लॉजिक देख लेते हैं। तो फ्रेंड एग्जाम्पल जो था हमारा वही था कि 4.78, इसी के पीछे का लॉजिक हमें देखना है। तो फ्रेंड हम लॉजिक जो है हमारा कुछ ये है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, ये जो नंबर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 plus 0.78, ये लिख दिया। अब फ्रेंड यहाँ हमारे बाहर एंटी लॉग है, अगर हम इस नंबर को किसी नंबर का एंटी लॉग लॉक कर दें, दैट इज़ एक्स का लॉग इसके बराबर होता है, सपोज़ कर लीजिए कि हमारा जो एक्स का लॉग होता है इसके बराबर हो जाए, तो हम इसको लॉग एक्स लिख सकते हैं इस नंबर को, और एंटी लॉग होगा तो एंटी लॉग लॉग, तो ये कैंसल आउट कटेगा नहीं फ्रेंड, कैंसल आउट हो जाएगा, दैट इज़ एक्स हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जो इस ये एंटी लॉग ऑफ 4.78 की वैल्यू एक्स हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, इसी का हम यूज़ करके करेंगे। तो हमें इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो लॉग के फॉर्म में लिख देते हैं ना फ्रेंड, तो डैट मीन्स ये एंटी लॉग है। ये हम जानते हैं कि 4 जो होगा लॉग ऑफ 10 to the power 4 का, 10 to the power 4 का लॉग जो होता है 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, और a की पावर b वाला फॉर्मूला देखेंगे तो ये जो है 4 log 10, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा ना फ्रेंड। तो ये हो गया। अब प्लस अब देखना है कि ये 0.78 किसका लॉग होता है, तो ये अभी हमने जस्ट देखा था कि लॉग 6 की वैल्यू 0.78, तो ये हो गया। अब हम जानते हैं फ्रेंड एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे, इसीलिए मैंने बोला था कि ये फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू बी। इसी फॉर्मूले का अगर हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड ए एल, ये एल है एंटी लॉग, मतलब लॉग ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी दैट मीन्स 6 into 10 to the power 4। अब फ्रेंड यहाँ लॉग, ये एंटी लॉग दोनों इन्वर्स होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 into 10 to the power 4, यही हमारा 4.68 का 7.8 का वैल्यू होगी। तो ये फ्रेंड इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड,
अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर रिवाइंड करके पीछे वीडियो देख लीजिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा 7.5 होता, जैसे यहाँ पे 7.8 था, ठीक हो जाता। अगर 7.5 होता तो कोई वैल्यू नहीं थी, तो कैसे करेंगे, तो उसका भी देख लेते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एंटी लॉग निकालना है हमें, 13.75 ही ले लेते हैं। अगर हमारा 7.5 होता तो क्या करते, तो कुछ नहीं, पहला स्टेप तो एज इट इज़ की 13 मतलब डेसिमल के पहले वाला जो नंबर है उसको इंटू 10^10 में कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे 13 कर दी। अब हमें 0.75 चाहिए ना फ्रेंड, और यहाँ पे लॉग टेबल ये देखिए, लॉग की किसी की वैल्यू 0.75 होती नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो इसके करने के दो मेथड हैं, चलिए दोनों मेथड देख लेते हैं। तो पहला मेथड जो है कि ये नंबर हमारा कहाँ पे होगा, तो ये नंबर हमारा यहाँ कहीं होगा ना फ्रेंड, यहीं कहीं पे होगा 0.75 से 0.78 के बीच में होगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं, इनका देखिए कि इनके बीच में कौन सा एग्जैक्टली बीच में कौन सा नंबर होगा, इनके एग्जैक्टली बीच में होगा 0.74 और 0.78 के बीच में 0.74। इस इधर भी हमें करना पड़ेगा फ्रेंड, तो किसकी वैल्यू, तो लॉग ऑफ 5.5 का वैल्यू जो होगी वही होगी अप्रॉक्सीमेट 0.74 होगी ना फ्रेंड, समझिए ये समझने वाली बात है। यहाँ में हमने बीच लिया तो यहाँ का भी बीच, जैसे होता नहीं है जैसे 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है और 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। तो अगर हमें इनके बीच का मतलब कितना 6.5 का चाहिए कि किसका स्क्वायर 6.5 होगा, तो इनके बीच का दैट मीन्स 2.5 के आसपास का स्क्वायर ही 6.5 होगा, होगा ना फ्रेंड। जैसे 2.5 का स्क्वायर क्या होगा, 6.25 ये होगा, और यहाँ पे 6.5 तो मतलब अप्रॉक्सीमेट रेंज में वही होगा ना। तो सेम यही केस हम देखते हैं यहाँ पे कर रहे हैं फ्रेंड, यहाँ वैल्यू तो हमारी फ्रेंड अप्रॉक्स में आएगी, लेकिन इसके बाद वाला जो मेथड बताऊंगा सेकंड मेथड, उससे हमारी एक्यूरेसी कुछ ज़्यादा होती है, कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट वैल्यू आएगी। लेकिन वो मेथड जो होता है थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए पहले ये मेथड देख लीजिए, फिर हम वो वाला मेथड भी देखेंगे। तो ये क्या होगा, 0.74 लॉग 5 का वैल्यू होगा, 5.5 का, तो हमें क्या चाहिए 0.75, तो मतलब 0.74 है तो इसका, इससे मतलब थोड़ा बड़ा, तो हम गेस करके चलते 0.6 समथिंग होगा, 6.2, 6.3 तो मतलब 5.6 समथिंग होगा, तो यही हमारी वैल्यू होगी। लेकिन फिर एक बात तो मैं बता दूँ आपको, ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड तभी यूज करिएगा जब हमें MCQs के फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हमारा आंसर गिवन रहता है, तो हमें आंसर नहीं फाइंड करना है, बस हमें ऑप्शन देखना है कौन सा, तो हम वहाँ पर देखेंगे 5.6, तो जो ऑप्शन 5.6 के पास में होगा, ज़्यादा पास में होगा, वही वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें वैल्यूज़ लिखनी रहेगी तो हमारा डिफ़र कर जाएगा फ्रेंड, बहुत डिफ़र कर जाएगा, कैसे चलिए हम देख लेते हैं। तो जैसे हम सेकेंड वाले मेथड से इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फ्रेंड एंटी लॉग ऑफ 13.75, इसका हमें एंटी लॉग निकालना था। देखिए फ्रेंड बहुत आसान है, पहला स्टेप तो सेम एज इट इज़ रहेगा कि दैट इज़ 10^10 हमें 13 कर देना है। अब 0.75 देखना है ना, तो यहाँ हमारा 0.75 इन दोनों के बीच में होगा, दैट इज़ 5 से ज़्यादा होगा और 6 से कम होगा, तो दैट मीन्स 5 से ज़्यादा होगा तो 5 प्लस करो, तो 5 का लॉग कितना होता है, 5 का लॉग होता है 0.7, तो दैट मीन्स ये 0.7 से कितना ज़्यादा है, जैसे हम लॉग निकालते वक्त करते थे ना फ्रेंड। एक बार ये स्टेप, ये जो स्टेप है फ्रेंड, ये मेथड कोई नहीं बताएगा फ्रेंड, तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये फ्रेंड थोड़ा टिपिकल है हाँ, लेकिन एक बार ध्यान दे लीजिए, आप चुटकियों में निकालेंगे बहुत ही एक्यूरेट आंसर आएगा फ्रेंड, ठीक है। तो एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए, स्किप मत कीजिएगा और बहुत ध्यान से देखिए, क्या करना है, देखना है कि किसका लॉग इसके पास में है, तो यहाँ 5 का लॉग इसके पास में से छोटा होना चाहिए, क्योंकि छोटा रहेगा तो हम ऐड कर देंगे, ठीक रहेगा, सबट्रैक्ट करना थोड़ा टिपल हो जाता है, तो 5 का लॉग तो 5 में ऐड, अब ये कितना, जिसका लॉग लेंगे 5 का लॉग कितना होता है 0.7, तो ये 0.7 से डिफरेंस कितना है, मतलब कितना ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा 0.7 से इसको सबट्रैक्ट कर देना है, एक तरीके से फॉर्मल भाषा में कहिए तो 0.7 से सबट्रैक्ट कर दीजिए जिसका लॉग करेंगे जिससे सब, तो कितना है 0.05। अब यही 0.05 को, इसी 0.05 को हमें फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ हम डिफरेंस फाइंड करने का तरीका देखिए फ्रेंड, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस है 0.08 का ना फ्रेंड, 0.08 का डिफरेंस है, और जब इधर डिफरेंस है तो इधर भी डिफरेंस, इधर डिफरेंस है 1 का। ये फ्रेंड थोड़ा ध्यान दीजिए, बस मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, नहीं तो आप कुछ समझ नहीं, तो दैट मीन्स इसको यूनिटरी मेथड में करें तो 0.08 जो होगा 1 के बराबर है ना, इधर 1 के बराबर है, और तो हमें कितना चाहिए 0.05, तो यूनिटरी मेथड की हेल्प से 0.05 की वैल्यू होगी 5/8,
ये होगी ना फ्रेंड, ये तो आपने पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड, ये इसीलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ये इतनी हो जाएगी। अब फ्रेंड इसका जो डेसिमल में निकालेंगे ये हो जाएगा 0.625। अब इतनी जल्दी मैंने इसको कैसे निकाल लिया, उसके लिए बस आप आई बटन पर क्लिक करिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर ये सब मैंने पहले ही बता दिया, तो 0.625 बस यही वैल्यू आ गई, बस इसको ऐड कर देना है। दैट मीन्स 0.625 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, तो दैट मीन्स हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो हमारा ये आएगा, इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेते, दैट इज 5.625 × 10^13। मतलब यही हमारा एंटी लॉग होगा इस नंबर का फ्रेंड, ये एक्यूरेट होगा फ्रेंड, ठीक है। अब चलिए, लेकिन फ्रेंड एक बात है, ये जो है इससे सटीक मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे मतलब इससे एक्यूरेट मेथड कहीं नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे लेकिन उससे एक्यूरेशन नहीं होगा और इससे टफ भी हो जाएगा। सबसे सिंपल मेथड है एक्यूरेट आंसर निकालने का बिना लॉग टेबल या कैलकुलेटर की हेल्प से, ठीक है। इसलिए आपको अगर ये मेथड नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लीजिए कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल और हम कर लेते हैं, जैसे एंटी लॉग निकालना है हमें 29.293 का, इसका हमें 3 डिजिट, अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, फिर भी बहुत आसानी से निकलेगा। अगर हम और किसी मेथड से करेंगे 3 डिजिट का नहीं निकाल सकते ना फ्रेंड, हम इसको राउंड ऑफ 2 करेंगे तो पहले ही एक्यूरेसी कम हो जाएगी, उसके बाद फिर और एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो इसीलिए इसका कैसे करेंगे, तो पहले × 10^29, ये हमने क्योंकि ये हमने बहुत बार पीछे डिस्कस कर लिया, बात करने की ज़रूरत नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका देखना है कि यहाँ पे कहाँ, तो ये वैल्यू हमारी फ्रेंड 1 से 2 के बीच में होगी, तो कुछ नहीं हमें 1 से बड़ा, इसके 2 लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसको हम राउंड ऑफ करके मान लें कि ये 0.3 है, 0.3 कर लेंगे तो दैट इज़ 2 × 0.,, ये हमारा रिजल्ट हो जाए, लेकिन ये फ्रेंड एक्यूरेट उतना नहीं रहेगा। तो एक रिजल्ट ये हो जाए, एक्यूरेसी के लिए हम कुछ नहीं तो दैट इज़ × 29 किए रहेंगे। अब हमें देखना है कि 0.39 तो 1 से बड़ा होगा, दैट इज़ जैसे हमने पहले बताया था ना 1 प्लस, देखना 0.23, यहाँ डिफरेंस वाला रूल देखना है, डिफरेंस कितना है तो इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। डिफरेंस है हमारे यहाँ 0.3 का और यहाँ 0.3, यहाँ 1 के, हमेशा 1 ही रहेगा फ्रेंड लेफ्ट साइड में, तो इस साइड हमेशा 1 ही रहेगा क्योंकि 1 के बाद में है। तो अब हमें चाहिए कितना, 0.293, दैट इज़ 0.293 का चाहिए। तो यूनिटरी मेथड का हेल्प से ये हो जाएगा, ये तो आप कर ही लेंगे ना 300। अब 300 होगा फ्रेंड, 3 नहीं होगा, वो आपको पता ही होगा क्यों नहीं होगा, तो इसको हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 और 21 हो जाएगा तो 7, अब 0.66 ये आएगा फ्रेंड, और यहाँ डेसिमल में तो दैट इज़ 0.9766 ये होगा, तो बस हमें यहीं पे ऐड कर देना है, दैट इज़ 0.9766। और ये ऐड करने के बजाय डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमेशा ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट से बड़ा हो ही नहीं सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता फ्रेंड, 1 से हमेशा छोटा है, दैट इज़ 1.9766 × 10^29, ये हमारा लॉक होगा, एंटी लॉक होगा फ्रेंड इसका। तो फ्रेंड हम बार बार ऐसे करेंगे नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए हम जल्दी से कैसे निकालेंगे, उसी मेथड का हेल्प करके जल्दी से हम कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड सपोज हमें निकालना है एंटी लॉग ऑफ 16.45, इसका हमें एंटी लॉग निकालना है। अब देखिए हम कैसे करेंगे आसानी से, कुछ नहीं 16 है यहाँ पे, दैट इज़ 10^16 एक रायल में। अब 0.45 किसका होगा, 0.3 होता है लॉग 2 का, तो दैट इज़ 2 लिख दो बस, 2 लिख दो बस। अब कितना डिफरेंस कितना होता है, नेक्स्ट होता है 0.48 होता है, तो डिफरेंस होता है 18 का, 0.18 का होता है, यहाँ में चाहिए कितना 0.45 चाहिए, और डेट की 4.5 नहीं चाहिए, 3 का किया था ना, तो 1.5 बचा है ना, 0.15 का चाहिए, 1.5/18 ये हमें करना है, 3 से काटेंगे 5, 3 से 6 ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा 8 एंड ये 0.835, ये कैसे होगा इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया कि वीडियो देख लीजिएगा आप आई बटन पे, तो ये होगा नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, डिवीजन वाली ट्रिक है फ्रेंड, मैंने पहले ही बता दिया, तो बस इसको कुछ नहीं 835 यही हमारा रिजल्ट हो गया फ्रेंड × 10, ठीक। तो ये हो गया हमारा, हमने डेसिमल नंबर अभी तक जो था हमने डेसिमल नंबर देखा वो भी पॉजिटिव। अब हम देखेंगे कि अगर हमारा डेसिमल ना हो, जैसे होल नंबर हो, जैसे हमें इसका निकालना है 543 का एंटी लॉग निकालना है, तो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड इसको भी तो आप कहेंगे अरे बेसिकली यही तरीका कर लेना, इसको हम डेसिमल फॉर्म में कर दें ऐसे 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 0 का। अब क्या करेंगे, हमारा डेसिमल के पहले वाला देखते थे तो ये दैट इज़ 10^543 हो गया, अब ये इसका हम देखते थे किसका लॉग 0 होता है, तो 1 का लॉग 0 दैट इज़ 1 × 10, तो यही हो गया।
तो ऐसे करेंगे ना फ्रेंड, तो ऐसे करने की ज़रूरत ही क्या फ्रेंड, जब जानते हैं कि हमारा लास्ट में आंसर 10^2 वही हो जाएगा, तो बस ट्रिक भी यही बन गई। तो हमारे ट्रिक कुछ ये है कि जो अगर हमारा डेसिमल नंबर है उसका हमें एंटी लॉग निकालना है, कुछ नहीं, 10^2 गिवन नंबर कर दीजिए वही हमारा एंटी लॉग होगा। और क्यों मैंने ट्रिक ये देखिए, यहीं से खुद ही ट्रिक मिल गई ना फ्रेंड हमें, तो यही है, समझ में आ गया ना फ्रेंड। कुछ नहीं, ये तो सेकंडों में निकलेगा, देखते ही मान निकलेगा ना फ्रेंड, अब समझ में आ गया। कुछ नहीं, अगर हमें होल नंबर का फाइंड करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है, कुछ नहीं, 10^2 वही जो नंबर गिवन उसी का कर दीजिए। अगर यहाँ पे अगर यही हमारा निगेटिव होता, जैसे एंटी लॉग हमें फाइंड करना होता निगेटिव 543, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, 10^2 जो गिवन नंबर है वही कर दीजिए, बस स्लाइड चेंजेस। ये भी हमारा आंसर सही है, गलत नहीं है, लेकिन जनरली ऐसे फॉर्म में नहीं दिया रहता, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हम जानते हैं कि a^ अगर -b होता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना फ्रेंड, 1/a^b, ऐसे होता है ना, तो इसी रूल का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10^543। अब 1/10 दैट इज़ 0.1 होते, दैट इज़ 0.1/543, ये हमारा रिजल्ट होगा। दोनों रिजल्ट सेम है, आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एंटी लॉग मिल गया हमें निगेटिव होल नंबर, डेसिमल नंबर के लिए नहीं अप्लीकेबल रहेगा फ्रेंड। क्यों नहीं होगा, मैंने पहले जो जब मैं एंटी लॉग टेबल की हेल्प से एंटी लॉग निकालना था वहाँ पे भी मैंने ये ट्रिक बताई है, और इसका लिमिटेशन भी बताई है कि ये ट्रिक जब डेसिमल नंबर रहता क्यों अप्लीकेबल नहीं है, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा एक बार ज़रूर, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमें कुछ नहीं करना, अगर हमें होल नंबर मिल गया अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट 10^2 कर देना है वही नंबर, अगर नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, 0.1 वही नंबर कर देना है, सिंपल सा। तो आएगा ना चुटकियों में फ्रेंड। अब चलिए हम देखते हैं कि अगर हमारा होल नंबर ना हो, नेगेटिव डेसिमल नंबर हो, दैट मीन्स हमारा ये 3.65 ऐसे कुछ नंबर है, तो हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड इसका भी बहुत आसान है, तो जैसे हम एंटी लॉग लॉग टेबल की हेल्प से निकालते थे, तो हम क्या करते थे, जब निगेटिव नंबर मिल जाता था तो हम डेसिमल के पहले वाला जो नंबर रहेगा उसी में +1 करके उसका सक्सेसर +n- कर देते थे, सिंपल सी बात है फ्रेंड। यहाँ नंबर हमारा 3 है, 3+1 4 हो जाएगा, सक्सेसर मतलब 4 हो गया, तो 4 से एड एंड सब्ट्रैक्ट, दैट इज ये हो जाएगा हमारा 3.65 में +4 एंड -4 कर देंगे। अब इसको ये वाला जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 5 × 70 = 35, दैट इज इतना, और -4। अब हमें इसका एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ फ्रेंड मैंने पहले बताया था ना आपको लॉजिक, जब मैं बताया था कहा था लॉजिक ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत यूज़फुल, यहाँ यूज़फुल रहेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने देखिए शुरू में लॉजिक बताया था ना आपको, कहाँ गया, ये देखिए फ्रेंड यहाँ हमने लॉजिक देखा था इसके पीछे का, तो यही देखिए। तो यह हमारा नंबर अगर a+b के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, तो इसी लॉजिक के हेल्प से हम ये जो हमारा गिवन नंबर था ये इसको हम कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये है, तो इसको हम जो माइनस वाला है इसको हम 10^-4 लिख देंगे डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10^-4 और प्लस इसका जो लॉग होगा, सपोज एक्स का लॉग है तो एक्स लॉग हो जाएगा, और ये प्लस में होगा दैट इज़ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू 10^-4 हो जाएगा, और ये लॉग कर जाएगा एक्स इंटू, मतलब रिजल्ट ऐसे कुछ आएगा। तो वही चीज़ हम डायरेक्ट कर देना, इसको लॉग लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये डायरेक्ट हो गया। ये तो आपको समझ आएगा, मैंने बेसिक बता दिया है, तो ये हो गया। अब प्रॉब्लम है इसका, किसका लॉग ये होगा, तो हम कुछ नहीं, बहुत आसान है, 0.3 होता है, 0.3 दैट इज़ 2 हमने लिख लिया, और डिफरेंस कितना 0.05 का चाहिए, हाँ बचा कितना है 0.05, डिफरेंस कितना है 18 का, दैट मीन्स 5/18 हमें चाहिए। तो 5/18 कितना होता है, तो फ्रेंड ये कितना है 18 है, तो 50 पॉइंट लगा देंगे तो 50 हो जाएगा, तो 18 × 36 तो 14 बच जाएगा, तो 18 × 7 = 126 तो दैट इज़ बस इतना ही बहुत है फ्रेंड सफिशियंट, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.27, तो यही यहाँ पर लिख देंगे, तो दैट इज़ हमारा रिजल्ट ये हो जाएगा 2.27 × 10^-4, यही हमारा रिजल्ट है फ्रेंड। तो चलिए एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, तो जैसे सपोज अब हमें निकालना है फ्रेंड एंटी लॉग ऑफ -16.35, इसका हमें एंटी लॉग निकालना है, तो सिंपल सा इसमें +n − 17 कर देंगे, तो हमारा कुछ रिजल्ट हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो +17 करेंगे तो दैट मीन्स 0.65 और -17, ये होगा इसमें +-17 करने से इतना। अब हमें × 10^-17 तो आँख मूंद के कर देना है। अब इसका देखना है किसका एंटी लॉग ये होगा, तो फ्रेंड लॉग 4 होता है 0.6 एंड लॉग 5 होता है 0.7,
और यहाँ फ्रेंड फाइंड किसका करना है, 0.65 का, दैट मीन्स इसके जस्ट बीच में 0.65 होगा ना, तो इसका मतलब 4.5 का हमारा लॉग 0.65 होगा। डायरेक्ट कर दीजिए फ्रेंड, यहाँ पे भी हमारा डायरेक्ट, यही हमारा रिजल्ट हो गया। और नहीं, हम जैसे बेसिक मेथड जो मैंने बताया था अपना, उससे भी कर सकते हैं। हमारा क्या है, 0.6 हो गया, तो दैट मीन्स 4 हो गया। अब हमें डिफरेंस कितना है, 0.6 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.05 आया, और डिफरेंस यहाँ पे हमारा 1 का है, डिफरेंस 0.1 का है, तो दैट मीन्स 5/10 हो जाएगा, तो ये आएगा 0.5, दैट मीन्स यही 0.5 ही आएगा ना, 4.5, यहाँ पे भी 4.5, ठीक है। तो यहाँ से हमें फ्रेंड एक ट्रिक और मिल गई कि हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल रहे, ऐसे फॉर्म में रहे कि जब हमारा एग्जैक्टली वैसे आ जाए तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो ये देखने का नज़रिया रहेगा कि अगर हम ट्रिक देख पा रहे हैं कि नहीं, अगर हमें दिख जा रही है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया निगेटिव नंबर। तो अब हमारे पास सिर्फ एक टाइप और बचा हुआ है नंबर का, कि जब हमारा नंबर बार के फॉर्म में रहे फ्रेंड, जैसे हमारा एंटी लॉग निकालना हो फ्रेंड 3/89, इसका हमें एंटी लॉग निकालना है ना फ्रेंड, बहुत सिंपल है, निगेटिव वाले नंबर से भी बहुत सिंपल। कैसे करना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना फ्रेंड, -3 + 0.89, ये होता है ना फ्रेंड। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हमारा जैसे -3.89 है, इसका मतलब ये नहीं होता है -3 + 0.89, इसका मतलब ये होता है कि -3 + -89 होता है 0.89, ठीक है। तो ये भी आप भूल से इसको मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा बार इसका होता है। अब फ्रेंड जैसे हमने यहाँ पे कहते थे ना, यही चीज़ तो आ गई, इसी तरह का फॉर्म में आ गया ना हमारा, तो इसको हम निकाल लेंगे, इसका कुछ नहीं, इसको (10^2) जो होल नंबर में आएगा उसको 10^2 में कर दीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ होल नंबर क्या, और जो डेसिमल वाला रहेगा वही प्रॉब्लम करता है, डेसिमल वाला 0.8984 होता है लॉग 7 का, और 9 होता है इसका। तो इस, अब हमें फ्रेंड 0.89 का चाहिए, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 0.9 दैट इज़ 8 × ये भी कर सकते हैं फ्रेंड, और फ्रेंड दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो जैसे हमारा क्या था, यहाँ 0.89 है, तो लॉग 7 कितना होता है 0.84, तो दैट इज 7+ समथिंग होगा, मतलब 84 से कितना ज़्यादा 0.005, तो दैट मीन्स 5 का 0.005 का डिफरेंस है, और यहाँ डिफरेंस, और यहाँ डिफरेंस कितना है 0.6006, दैट मीन्स यही अपॉन में हो जाएगा, दैट मीन्स ये बचेगा 5/6। अब 5/6 कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा 1685 होता है, एंड 535, तो दैट इज़ 0.835, तो यही हो जाएगा 0.835, तो हमारा वैल्यू जो आएगी 7.835 × 10^-3, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है फ्रेंड लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ 3/0.89 का, ठीक है ना फ्रेंड। तो इस वीडियो में मैंने फ्रेंड हर टाइप के नंबर का एंटी लॉग निकालना बता दिया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।